से चर्चा करेंगे कि ऐसा अपराधी व्यक्ति कभी यहाँ आकर के आपके सवाई माधोपुर में भी यहाँ का जो आपका धंधा है पर्यटकों का उसको भी समाप्त करना चाहता है। हमारी प्रियंका गांधी वाडा नेता आई थी उनके जाकर के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहा है, तो वहाँ बाहर का व्यक्ति यहाँ सेंचुरी यहाँ देखने आता है, भ्रमण करने आता है, यहाँ आपके लोगों को 2 रुपए का धंधा मिलता है, तो ऐसे लोग इस तरह का वातावरण बनाएंगे तो सवाई माधोपुर, पहले सीमेंट फैक्ट्री को समाप्त कर दिया इस आदमी ने, दोबारा जमीन तलाश रहा है सवाई माधोपुर में। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि उसकी गलतफहमी है किरण लाल जी की, सवाई माधोपुर में जगह मिलेगी उसको, जगह नहीं मिलेगी, यहाँ कांग्रेस का ही आदमी जीतेगा और वो कितनी जगह ढूंढ ले, कितने भी धरने प्रदर्शन कर ले, तो ये जो आदमी बात कर रहा है नियम और कानून की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिन के समय गया था और वहां पर जब गया था तो वहां के फोटो भी है मेरे पास, वीडियो भी है, तो दिन के समय गया था। उधर से जब वापस आए, जब थोड़ा सा समय 6 बजे के बाद का हो गया था, उसका कारण है कि पहली बार गया था और मैं ईश्वरवादी आदमी और भगवान के प्रति आस्था रखता हूँ, तो मैं कोई फॉरेस्ट वॉरेस्ट में नहीं गया था, मैं तो गणेश जी के मंदिर के दर्शन, गणेश जी के मुझे दर्शन करने थे, वो भी मैं पहली बार गया, और मुझे इतना पता होता कि वो बहुत दूर है, मैं सोच रहा था वो चढ़ेंगे ऊपर दर्शन हो जाएंगे, लेकिन लास्ट कॉर्नर पे था, तो मैं आज से 3 4 दिन पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने गया था, तो वहां मैंने परिक्रमा दी थी तो मेरे छाले पड़ गए थे, उस वजह से धीमी गति की वजह से उधर से वापस आने में हमारे साथ, मैं अकेला नहीं आया हूँ, वो फॉरेस्ट की सफारी गाड़ियां होती हैं वो जो भ्रमण उनको लेके जाती हैं, वो भी हमारे साथ साथ ही आई हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, और मेरी आस्था मंदिर के प्रति थी ना कि फॉरेस्ट के प्रति, मुझे कोई टाइगर नहीं देखना क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, जो मेरा एरिया है कैला देवी सेंचुरी है, तो वहां जरूरत नहीं है इन चीनों की, इन जानवरों की, हमारे यहाँ तो जानवर कहते हैं, जानवरों की देखने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन कानून एक्ट की जिसकी बात करते हैं, मैं तो बिल्कुल कानून को मानता हूं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आए दिन ही कानून का उल्लंघन करता है और अपने आप कानून को मानता है तो कानून के हवाले क्यों नहीं कर देता, तो मैं तो कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब की बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और अब उसको पता नहीं रहता कि मैं क्या काम कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, कब आन कानून का उल्लंघन तोड़ूंगा, कब क्या करूंगा, उनको खुद को पता नहीं है, क्योंकि सभी तरफ से, चारों तरफ से वो पार्टी के खिलाफ भी काम करते हैं और पार्टी का कोई अनुशासन में नहीं है, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के जो बोला है मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे लोगों का सूर्यास्त हो चुका है राजनीति में, तो ऐसे लोगों को तो घर बैठ जाना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए।